Hey guys, what is up? I am Dishul Krish from Tripura. तो guys, मैं आप लोगों के फिर से आ गया हूँ YouTube और दूसरे सोशल मीडिया साइट से अमेजिंग अमेजिंग न्यूज. तो guys, आप लोग यह वीडियो को अंत तक जरूर देखना. रेजर फाज जो न्यूज आता है वो आता है बेसिकली केरी की तरफ से. केरी आप लोग पता है कल स्ट्रीम कर रहे थे PS5 पे, तो उधर ही मतलब पता है आप लोग लाइव स्ट्रीम पे बहुत बंदे जाके बोलते कि मेरे चैनल प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो. तो इसके ऊपर केरी ने कुछ ये कहा. YT के यार ऐसे मत करो, हम कैसे किसी के 1K 2K 3K नहीं करवा सकते, उसका कोई पॉइंट नहीं है. देखो प्रमोशन का मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या होता है. पता नहीं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नहीं, पर मैं दोबारा बता देता हूँ. पर प्रमोशन में क्या होता है कि पहले अभी आ गए लोग आ जाएंगे, ठीक है, अभी पहुंच जाएंगे, फिर कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे. उतने इन एक्टिव सब्सक्राइबर्स का तुम क्या करोगे मुझे बताओ? खुद को ही देख के खुश हो लोगे, वाओ वेरी गुड, उसका कोई पॉइंट नहीं है. देखो ऐसी झूठी दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं. देन जो स्टोरी था वो था बस बेसिकली रिक्शे रिक्शे वाले की तरफ से, मतलब अनिशा दीक्षित की तरफ से. मतलब पता है बहुत दिन से ऑफलाइन थी. तो अभी एक वीडियो अपलोड किया जैसे देख सकते हो, आई हैड सर्जरी समथिंग कुछ है. तो उसमें मतलब क्लियर किया कि किस चीज के ऊपर सर्जरी और क्यों हुआ. तो यार देख सकते हो पिछले कुछ महीनों से मुझे मेरे पीरियड्स के टाइम पे ना बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, मोर देन नॉर्मल. और उसके वजह से ना मुझे बहुत पेन हुआ करता था मेरे पेट में. पर फिर भी मैं ना वीडियोस बनाती गई, वीडियोस अपलोड करती गई, क्योंकि मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था ना कि मैं वीडियोस बनाऊंगी. पर फिर एक दिन मुझे ना इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि मैं डॉक्टर के पास गई, और फिर उनको पता चला कि आई हैव फाइब्रॉइड्स इन माय यूटरस एंड आई हैव टू रिमूव देम एज फास्ट एज पॉसिबल. सो जिसको नहीं पता है कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स आर मस्कुलर ट्यूमर्स, छोटे छोटे नॉट्स दैट ग्रो इन द वॉल ऑफ द यूटरस, पेट के अंदर, एंड कॉज पेन एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. And more than 20-80% of women develop fibroids over the years. Then जो story था वो था एक हर्ष की तरफ से, हर्ष यार select हुआ है film का award के लिए. मतलब किसके लिए आप लोग, मेरे को ठीक से याद नहीं. मतलब आप लोग देख सकते हो, आप Instagram पे कुछ ये डाला. और please यार आप लोग यार जाके vote कर देना. तो कर देना. तो देखो guys, देखो किसके ऊपर और किस लिए actually nominate हुआ है. तो देखो गाइस, मेरे को फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स ने नॉमिनेट किया है बेस्ट एक्टर मेल के लिए. तो आपको कुछ नहीं करना, स्वाइप अप करना है, वोट देना है, और मेरे को थोड़ा जितवा दो यार प्लीज. उसमें देख लेना मेरी कैटेगरी है बेस्ट एक्टर सीरीज मेल कॉमेडी, और वोट करो अपने भाई को, स्वाइप अप करो इस विंडो को, और प्लीज वोट करो, प्लीज. जीतना है मैंने, आप जितवाओगे. गाइस पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन जितवा दो प्लीज, स्वाइप अप करके जितवा दो. तेन जो स्टोरी था वो था ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से. ट्रिगर्ड इंसान यार सिलेक्ट हुआ है, सॉरी ट्रिगर्ड इंसान यार आया है ABP न्यूज पे. तो इसके एक छोटा सा पार्ट देख सकते हो. आज मंगलवार है और SBS इमर्जिंग स्टार्स में आज मिलवाएंगे ट्रिगर्ड इंसान से. बात है उस जमाने की, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब क्या है सर. तो गाइस इतने तक इस वीडियो में. तो अभी आप लोग ये कैसा लगा यार, आप लोग यार मेरे को सिंपल सा कमेंट करके बता देना. और अगर आप लोग अच्छा लग गया तो प्लीज यार डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मैं ऐसी वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूँ. तो प्लीज कर दे. तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेवा बजे बंद होता.